नमस्कार दोस्तों, ग्रोइंग पॉइंट की एक और न्यू टेक्निकल एपिसोड में मैं आप सभी का जो है स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को जो है कैसे कंप्यूटर स्क्रीन में मिरर कर सकते हैं, और वो भी यूएसबी केबल को यूज़ करके। क्योंकि दोस्तों, आपने जितना भी आज तक मिरर करने के तरीके देखे हैं वो सब जो है वाईफाई के द्वारा जो है डायरेक्टली आप मिरर कर सकते हैं। मीन्स वाईफाई और इंटरनेट को यूज़ करके, यहाँ पर जो है किसी एप्लीकेशन को यूज़ करके और कंप्यूटर में जो है किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप जो है अपनी मोबाइल स्क्रीन को जो है अपनी पीसी में मिरर कर सकते हैं, और जो है लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह और जो भी आप करते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपली आपको यही दिखाऊंगा कि आप बिना इंटरनेट के आप जो है कैसे अपनी मोबाइल स्क्रीन को जो है अपनी पीसी पे या फिर अपनी लैपटॉप पे जो है कैसे इजीली मिरर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो करना होगा, एक यूएसबी केबल के द्वारा आपकी फ़ोन को जो है अपनी पीसी के साथ कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करने के बाद आपको अपनी फ़ोन में सेटिंग्स पे जाना होगा, और सेटिंग्स में आपको जो है यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को जो है ऑन करना होगा। तो अगर डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑन नहीं है तो सिंपल सा आप अबाउट फोन में जाइए, और MIUI वर्जन जो है, अगर मैं MI का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो डिफरेंट फोन में डिफरेंट डिपेंड होता है। मीन्स किसी फ़ोन में बिल्ड वर्जन लिखा होता है, इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है टैप करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है कि मैं ऑलरेडी डेवलपर हूँ। तो आपको डेवलपर वर्जन को ऑन करना होगा, और उसके बाद सिंपल सा आपको जो है यहाँ पर सिंपल सा एडिशनल सेटिंग्स पर आना होगा, और नीचे पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसको आपको सिंपल सा ऑन मीन्स खोलना होगा, और उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होगा, और USB डिबगिंग ये जो ऑप्शन है इसको जो है आपको टिप करना होगा, और इसको ओके कर देना है। अब आपको अपनी PC पे जाना होगा सिंपल सा, और अपनी PC पे जो है आपको गूगल क्रोम को यूज ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद इस वाली लिंक पे आपको आना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मिररबोर्ड के एक फाइल दिया हुआ है, सिंपल सा आपको जो है इसको क्लिक करना है। मीन्स इसको आपको डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी और भी फाइल है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पे जो है डाउनलोड बोर्ड का ऑप्शन है, सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये इसको यहाँ पर जो है मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो सिंपल सा मैं यहाँ पर जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस तरफ से मिरर बोर्ड के एक फोल्डर आपके सामने आ जाएगी। तो इसको सिंपल यहाँ से जो है आपको जो है कट करना है, और कट करने के बाद आपको जो है अपनी सी ड्राइव पर जाना है। तो मैं यहाँ पर PC पे जाता हूँ, और यहाँ से जो है मैं इसको सी ड्राइव पे जाता हूँ सिंपल सा, और सी ड्राइव पे आपको जो है इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कर दिया है पेस्ट। अब आपको जो करना है, यहाँ पर मिरर बोर्ड की जो फोल्डर है इसको आपको सिंपल सा ओपन करना है, और यहाँ पर आप एक पैच फाइल देखेंगे कि मिरर बोर्ड के mirror.bat बोर्ड का ये वाला है। तो आपको सिंपल सा इसको जो है डबल क्लिक करना है, और अपनी फ़ोन में जो है इसको ओके कर देना है। तो जब भी आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन है ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली जो आपके बैकग्राउंड पे चल रहा है इसको आपको कट नहीं करना है, इसको आपको सिंपल सा मिनिमाइज करके रखना है। तो यहाँ से आप जो है इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और अपनी फ़ोन में जो जो आप एक्टिविटी करते हैं, किसी गेम को खेलते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर मिरर आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बिना यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा अपनी फ़ोन की USB केबल को यूज़ करके सिंपल इस टेक्निक को यूज़ करके आप जो है ईजिली इसको मिरर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप भी डेफिनेटली इस ट्रिक्स को ट्राई करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वारीज होना तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाई।